जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर और मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज का ये वीडियो है अगस्त के मंथली राउंडअप का, जिसमें हम बात करेंगे अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी चर्चा का विषय रहे हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स की आज बात करेंगे और पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों शुरुआत करेंगे इस वीडियो की आज के इस पहले पॉइंट से, और पहला पॉइंट जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं दोस्तों वो है हमारा सुजलाम कैंपेन। जी हाँ, सुजलाम कैंपेन की हम बात करेंगे, जिसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। अभी इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पानी से जल से संरक्षित संबंध है, यानी वाटर के कंजर्वेशन से संबंधित एक कैंपेन दोस्तों शुरू की गई थी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। जी हाँ, 25 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सुजलाम नाम की कैंपेन, 100 दिन की कैंपेन दोस्तों शुरू किया था। किसके अंतर्गत? आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है, उसके अंतर्गत ही सुजलाम कैंपेन को दोस्तों 100 दिन की कैंपेन है इसको शुरू किया गया। क्या मकसद है इसका? तो मकसद है टू क्रिएट मोर एंड मोर ODF प्लस विलेजेस। ODF का मतलब ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त गांवों के निर्माण के लिए यह सुजलाम कैंपेन दोस्तों शुरू किया गया है। पीएम मोदी का मकसद है कि पूरे भारत में कहीं पर भी किसी को भी खुले में शौच ना जाना पड़े, ऐसा काम करने के लिए यह काम किया गया है। क्या करेंगे इसमें? बाय अंडरटेकिंग द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एट द विलेज लेवल, यानी गांव के स्तर पर जो हमारे गंदे पानी का निस्तारण है, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको दोस्तों काम किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा इस पूरी कैंपेन के दौरान। और दोस्तों काम किया जाएगा एक उद्देश्य को प्राप्त करने का, वो है क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन सोक पेट्स एंड ऑल्सो अदर द ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। इस सुजलाम कैंपेन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कम से कम 1 मिलियन सोक पिट्स का निर्माण करना, जिससे हमारा जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है वो गांव के स्तर पर दोस्तों किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी रहेगी, जो कंसल्टेशन रहेगा, जो खुली बैठक रहेंगी, वो दोस्तों ग्राम सभा मीटिंग्स के दौरान रहेंगी। यानी जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उनकी जो खुली बैठक होगी उसमें इस बारे में चर्चा होगी और करंट सिचुएशन को दोस्तों एनालाइज किया जाएगा, विश्लेषण यहां पर किया जाएगा। यहीं पर दोस्तों रिजोल्यूशन पास किए जाएंगे टू मेंटेन द ODF सस्टेनेबिलिटी एंड अचीव नीडेड नंबर ऑफ सोक पिट टू मैनेज द ग्रे वाटर। यानी जो भी गांव के स्तर पर ग्रे वाटर है उसको मैनेज करने के लिए कितने सोक पिट चाहिए, इस पर भी दोस्तों काम किया जाएगा, इसकी भी जनगणना की जाएगी और इस पर भी दोस्तों आगे काम किया जाएगा। 100 दिन का, 100 दिन का एक प्लान गवर्नमेंट चाहते हैं कि बनाया जाए और अगले 100 दिनों में दोस्तों ये काम हमें हासिल कर लेना है। यानी अगले 100 दिनों में जो सस्टेनेबिलिटी है, जो सोक पिट्स हैं, उनके कंस्ट्रक्शन संबंधित जितनी भी एक्टिविटी है उनको यहां पर दोस्तों हासिल कर लेना है, ये यहां पर दोस्तों देखा जाएगा। इसके अलावा जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, जो नंबर ऑफ सोक पिट्स की कंस्ट्रक्शन है, उसको भी दोस्तों यहां पर बार बार देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ सोक पिट्स हमें बनाने हैं। जो उनका रीआउटफिट है टॉयलेट्स का, वो हमें यहां पर देखना होगा और कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन भी उस ओर लाना होगा। यानी ऐसा ना हो कि हम तो यहां पे काम करते जाएं बट लोग उसका यूज ना करें, तो लोग उसके यूज के लिए भी आने चाहिए और उसके यूज के लिए भी दोस्तों आगे काम करना चाहिए, इस पर भी यहां पर ध्यान दिया जाने वाला है। यानी बड़ी कैंपेन है और मकसद भी इसका बड़ा है कि भारत में किसी भी प्रकार से खुले में शौच से दोस्तों मुक्त हुआ जाए। क्या है इसके सिग्निफिकेंस? तो यहां पर एक बात ध्यान करनी है कि यहां पर देखिए केवल ये जो डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही नहीं बनाने का उद्देश्य है, उसके साथ साथ यहां पर दोस्तों एक ऐड भी देना है इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द वाटर बॉडीज। यानी केवल सोक पिट बनाने तक ही इसका उद्देश्य नहीं है, उसके साथ साथ जो वाटर मैनेजमेंट है वो भी दोस्तों यहां पर किया जाएगा, जो वाटर बॉडीज हैं उनको भी किस तरीके से यूज करना है या किस तरीके से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना है उसको भी यहां पर लेकर आया जाएगा, इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, ये कैंपेन दोस्तों बूस्ट करेगी किसे? स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण फेज का है उसको भी यहां पर बूस्ट करने के लिए हमने इसको यूज किया है। यानी सुजलाम कैंपेन के तहत जो हमारे सोक पिट का निर्माण है या फिर जो ODF विलेज का निर्माण है वो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे स्वच्छ भारत निर्माण को, स्वच्छ भारत मिशन को भी दोस्तों आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों इसकी जरूरत है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वेस्ट वाटर डिस्पोजल, जो गांव के स्तर पर जो वेस्ट वाटर है उसके डिस्पोजल के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक प्लान हो। जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको दोस्तों सही करने के लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए, जिससे हमारा जो पानी है, जो भी गाँव का पानी है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, जो भी वेस्ट पानी है उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, ताकि पानी की समस्या भी दूर हो और जो गांव में गंदगी होती है या पानी की वजह से और परेशानियां होती हैं वो दोस्तों यहां पर ना हो। जो भी गांव की वाटर बॉडीज हैं उनको भी दोस्तों रिवाइव किया जाए, ये सारी चीजों के लिए दोस्तों हमें यहां पे जरूरत पड़ती है। अब यहां दोस्तों बीच में एक शब्द आया था ओडीएफ, तो क्या मतलब होता है इस ओडीएफ का, जरा एक बार समझ लेते हैं। तो 2016 में दोस्तों ओडीएफ प्रोटोकॉल इशू किए गए थे और उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अ सिटी और अ वार्ड इज नोटिफाइड एज ओडीएफ इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डिफेकेटिंग इन द ओपन। यानी ओडीएफ सिटी या वार्ड उसको कहा जाएगा जहां पर किसी भी दिन किसी भी समय कोई भी आदमी खुले में शौच करता हुआ ना पाया जाए। अगर ऐसा कहीं हो जाता है तो फिर उसको दोस्तों ओडीएफ टैग यहां पर दे दिया जाएगा। अब यहीं पर हमने बात की दोस्तों ओडीएफ प्लस की और ओडीएफ प्लस प्लस की, तो क्या मतलब है ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस का, इसको भी एक बार दोस्तों समझ लेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग चीजों को यहां पर समझ पाएंगे। अगर ODF प्लस और ODF प्लस प्लस की बात करें तो इसकी कॉन्सेप्ट को दोस्तों 2018 में लॉन्च किया गया था और ये भी दोस्तों एक आगे का स्टेप है। इसमें भी दोस्तों आगे की बात की गई है, क्या बात की गई जरा देखिए, बाय द सिटीज आफ्टर अचीविंग द ODF स्टेटस अंडर फेज 1 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, यानी स्वच्छ भारत जो पहला मिशन था उसमें सभी गांवों को हमने ODF लेवल तक पहुंचाया था। ODF लेवल तक पहुंचाने के बाद अब हमारा मकसद है कि हम उन गांवों को ODF प्लस और ODF प्लस प्लस तक दोस्तों यहां पर पहुंचाएं। यहां पर एक बात समझिए दोस्तों कि ODF प्लस और ODF प्लस प्लस का मतलब क्या है। अगर हम लोग ODF प्लस की बात करें तो अ सिटी ऑफ वार्ड वर्क सर्किल कुड बी डिक्लेयर्ड अ ODF प्लस इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट अ सिंगल पर्सन फाउंड डिफेकेटिंग और यूरिनेटिंग इन द ओपन एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स वर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन। यानी ODF का मतलब था कि कोई भी कभी भी किसी भी दिन खुले में शौच करता हुआ ना मिले। यहां ODF प्लस का मतलब है कि कभी भी कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर खुले में शौच या खुले में पेशाब करता हुआ ना मिले, यानी यूरिनेट करता हुआ ना मिले, और साथ में जितने भी हमारे कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो सभी वेल फंक्शनड हो, वेल मेंटेन्ड हो। अगर ऐसा हो जाता है तो वो सिटी या वार्ड दोस्तों कहलाएगा हमारा ODF प्लस। यहीं पर अगर हम ODF प्लस प्लस की बात करें तो ये क्या कहलाता है, एट द कंडीशन दैट फीकल स्लर्ज स्टेपेज एंड सीवेज इज सेफली मैनेज्ड एंड ट्रीटेड विद नो डिस्चार्जिंग एंड नो डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड फीकल स्लर्ज स्टेपेज एंड द सीवेज इन द ड्रेन्स। यानी ODF प्लस प्लस में हमने एक बात और जोड़ दी है कि खुले में तो कोई शौच नहीं करेगा, खुले में कोई यूरिनेट नहीं करेगा, सारे टॉयलेट्स भी फंक्शन होंगे और साथ में जो भी सीवेज का पानी है वो भी पूरी तरीके से ओपन एरिया में नहीं जाना चाहिए। उस हमारा जो सीवेज का पानी है उसका भी पूरी तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, वो भी सही तरीके से ट्रीट होना चाहिए। यह मतलब हो जाता है ODF प्लस प्लस का। अगर किसी भी सिटी में किसी वार्ड में अगर इतनी बात हो गई है तो फिर वो यहां पर कहलाएगा ODF प्लस प्लस। तो दोस्तों ये कहानी थी हमारी जो हमारे सुजलाम कैंपेन है उसकी और ODF और ODF प्लस प्लस की। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा कोलेजियम सिस्टम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलेजियम सिस्टम, जो पिछले महीने दोस्तों काफी हॉट टॉपिक रहा है, काफी चर्चा का विषय रहा था, काफी प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा हुई थी। तो जानते हैं आज की कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के माध्यम से किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लेट किया जाता है, यानी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही दोस्तों कोलेजियम जो हमारा है उसको लेट करते हैं, उसको अध्यक्ष करते हैं, और उन्होंने अभी क्या किया है, 9 जजेस का नाम दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजों को बनाने के लिए। इस वजह से एक कोलेजियम सिस्टम था यह दोस्तों न्यूज में आया। अगर दोस्तों हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है इन अ वन सिंगल रेजोल्यूशन रिकमेंडेड 3 वुमेन जजेस। यानी पहली बार ऐसा हुआ है जब कोलेजियम ने एक ही बार में 3 महिला जजेस को सुप्रीम कोर्ट के लिए दोस्तों रिकमेंड किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 महिला जजेस को कोलेजियम में एक साथ दोस्तों यहां पर लाया गया और एक साथ उनको जज बनाने का रिकमेंडेशन किया गया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है इन द फेवर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशरी। यानी ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि महिलाओं का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो हाईएस्ट जुडिशरी सिस्टम में भी दोस्तों अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपने आप को प्रूव किया है कि यहां पर किसी प्रकार की कोई भी जेंडर अनइक्वलिटी नहीं हो रही है, इस बात का दोस्तों ये भी एक सबूत यहां पर देखने को मिल जाता है।
दोस्तों यहीं पर अगर बात करें कोलेजियम सिस्टम की, तो हम सभी जानते हैं ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है और साथ में उनका ट्रांसफर भी किया जाता है। जितने भी हमारे जजमेंट्स होते हैं दोस्तों, उसमें हमारे कोलेजियम यहाँ पर दोस्तों इन्वॉल्व होता है। पार्लियामेंट के द्वारा दोस्तों ये एक्ट बनाया गया और उसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई थी। अगर बात करें दोस्तों तो एससी का जो कोलेजियम होता है यानी सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसको हेड करता है सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं, यानी कुल मिला के पांच लोगों के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम है वो दोस्तों चलता है और उसको हेड करता है हमारा कौन, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी प्रकार अगर हाई कोर्ट के कोलेजियम की बात करेंगे तो दोस्तों हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा वो उसको हेड करेगा, साथ में चार सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उस हाई कोर्ट के वहां पर रहने वाले होते हैं, यानी कुल मिला के पांच लोग यहां पे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है तो सुप्रीम कोर्ट के लोग रहेंगे, हाई कोर्ट का है तो वहां पर हाई कोर्ट के लोग रहेंगे। जो भी नाम ये कोलेजियम रिकमेंड करते हैं बाय एससी कोलेजियम रीचेस द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द सीजीआई एंड द एससी कोलेजियम। सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट से जो भी नाम दिए जाएंगे हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, तो वो नाम गवर्नमेंट के पास जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के पास जाना जरूरी होते हैं, वो उसको अलाउ करते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट उस पर अपनी मोहर लगाती है। तो ये दोस्तों ऐसा हमारा ये मेथड रहता है कोलिजियम का। यहां पर कुछ बातें और भी हम समझेंगे। अगर हम बात करें हायर जुडिशरी की तो यहां पर दोस्तों जो अपॉइंटमेंट होता है ओनली थ्रू द कोलिजियम सिस्टम एंड द गवर्नमेंट हैज अ रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोलिजियम। यानी यहां पर एक बात हमें देखने को यह मिली है कि कोलेजियम सिस्टम के द्वारा जो भी नाम दे दिए जाते हैं गवर्नमेंट का वहां पर रोल केवल इतना है कि उन नामों को दोस्तों फिक्स करना होता है, उन नामों पे मोहर लगानी होती है, गवर्नमेंट का इसके अलावा कोई भी रोल दोस्तों जजेस के अपॉइंटमेंट में नहीं है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के रोल की बात करें इज लिमिटेड टू गेटिंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो इफ अ लॉयर इज टू बी इलेवेटेड एज जज इन अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम। यानी गवर्नमेंट का रोल केवल दो है, लिमिटेड है किस पर, टू गेटिंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो। यानी सरकार केवल इतना कर सकती है कि कोलेजियम के द्वारा जो भी यहां पर लाया गया है उसके लिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंक्वायरी है वहां तक ही दोस्तों गवर्नमेंट अपना रोल कर सकती है, इसके अलावा गवर्नमेंट का वहां पर कोई भी रोल दोस्तों नहीं रहता। और इसीलिए दोस्तों थोड़ी सी बातें कोलेजियम के बारे में की गई थी, थोड़ी सी बातें यहां पर कोलेजियम के बारे में चर्चा के विषय बनी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो यहां पे हम सभी जानते हैं कि जो देश का एक इंटेलिजेंस एजेंसी है अथॉरिटेटिवली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। मकसद का वही है कि देश के अंदर जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी जो भी खतरे हैं उन सबकी जानकारी को इकट्ठा करना और सरकार तक पहुंचाना, यहां पर इसका यही इसका उद्देश्य रहता है। दोस्तों अगर बात करें अपॉइंटमेंट की कि किस तरीके से प्रोसीजर रहता है हमारे कोलेजियम में अपॉइंटमेंट का, तो सीजीआई की अगर बात करें तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो हमारे सीजीआई को अपॉइंट करता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो अदर एससी जजेस होते हैं दोस्तों उनको भी अपॉइंटमेंट हमारा राष्ट्रपति करता है, साथ में बात ध्यान करनी है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान करनी है कि राष्ट्रपति हमारा अपॉइंटमेंट तो करता है बट विद द कंसल्टेशन ऑफ अदर जजेस ऑफ एससी। यानी अगर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो विभिन्न बाकी जजों से वो कंसल्ट करेगा, और जब एक बार सीजीआई आ जाएंगे तो सीजीआई के रिकमेंडेशन पर ही वो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दोस्तों यहां पर क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में ध्यान रखना होगा। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, प्रोसीजर में कोई कठिन बात नहीं है। अगर एससी जजेस की हम लोग यहां बात करेंगे तो एससी जजेस में भी दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि पहले सीजीआई को वो अपॉइंट करेगा और उसके बाद सीजीआई से कंसल्ट करके रेस्ट ऑफ द कोलेजियम मेंबर से कंसल्ट करके वो क्या करेगा, बाकी जजेस को भी दोस्तों यहां पर अपॉइंटमेंट कर देता है। ये थोड़ी सी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, सिंपल सा प्रोसीजर है। बस गवर्नमेंट का यहां पर जो इशू है दोस्तों वो थोड़ा कम रहता है, गवर्नमेंट का रोल यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो उनका भी अपॉइंटमेंट दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है बट वहां पर भी दोस्तों सीजीआई का कंसल्टेशन होता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इनका भी अपॉइंटमेंट दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है बट यहां भी दोस्तों कोलेजियम और सीजीआई का रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के लिए जरूरी होता है। जिनका रिकमेंडेशन वो करते हैं उन्हीं का दोस्तों अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति यहां हाईकोर्ट के जज के रूप में कर देता है। अब यहां दोस्तों अगर देखें तो प्रपोजल हाउवर इज इनिशिएटेड बाय ऑनगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न इज कंसल्टेशन विद द टू सीनियर मोस्ट कोलेजियम। यानी जो भी अपॉइंटमेंट होने हैं, जो भी रिकमेंडेशन होने हैं वो कंसल्टेशन करने के बाद ही होंगे हाई कोर्ट के बाकी जजेस के साथ।
अगर हाई कोर्ट के बाकी जज का कंसल्टेशन नहीं होगा तो दोस्तों यहां पर नहीं होगा, और रिकमेंडेशन करने के बाद दोस्तों जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के पास जाता है ना, हु एडवाइसेस द गवर्नमेंट टू सेंड द प्रपोजल टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। जब रिकमेंड कर देते हैं हाई कोर्ट के जज के लिए नाम, वो जाते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर फिर राज्यपाल के पास भेजता है, और राज्यपाल फिर उसको यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास भेज देता है ताकि उस प्रपोजल को दोस्तों यहां पर आगे बढ़ाया जा सके। तो ये एक छोटा सा प्रपोजल रहता है, लेकिन गवर्नमेंट का दोस्तों इस समय बिल्कुल रोल जो है वो नहीं है, और इसीलिए दोस्तों यहां पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी होता है कोलेजियम सिस्टम का। सबसे पहली बात, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल सही बात दोस्तों, ये ऐसा हो सकता है होता हो, क्योंकि जब सब कुछ जजेस के हाथ में है तो हो सकता है कि वहां पर वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जान पहचान के या अपने लॉबी के या अपने जैसे लोगों को वहां पर अपॉइंट करने का दम रखते हो। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वहां पे दोस्तों रहता है। नेपोटिज्म की समस्या दोस्तों वहां पे बनी हुई है। क्यों? अगर मान लीजिए मैं जज हूं और मुझे ही अगला जज चुनना है, तो मैं अपने खानदान में सबको फिर LLB कराऊंगा, मैं अपने खानदान में सबको वकील ही बनाऊंगा ताकि आगे जाकर मैं अपॉइंट करूंगा तो मैं अपॉइंट कर सकता हूं। तो ऐसा नेपोटिज्म का खेल भी दोस्तों शायद हो सकता है यहां पे वो। इस बात में भी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम व्यवस्था की थोड़ी सी यहां पर आलोचना होती है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज दोस्तों जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में हमने बात की है और आगे हम लोग बात करेंगे। और बाकी जैसे टैलेंटेड जूनियर जजेस जो हैं और एडवोकेट जो हैं दोस्तों, उनको यहां पर ओवरलुक किया जा सकता है, ये भी दोस्तों एक आलोचना यहां पर कोलेजियम सिस्टम की होती है कि यहां पर अपने फायदे के लिए या अपने जानने वालों को भर्ती करने के लिए जो टैलेंटेड जूनियर जजेस हैं या जो एडवोकेट्स हैं उनकी यहां पर अनदेखी दोस्तों की जाती है। अब इन्हीं आलोचनाओं के चलते यहां पर कई बार दोस्तों इसमें रिफॉर्म की बात की गई है, कई बार यहां पर रिफॉर्म की बात की गई है, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी दोस्तों बनाया गया था 2014 बनाया गया था, बट इट्स डाउन बाय द कोर्ट इन 2015 ऑन द ग्राउंड दैट इट पोज अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। यानी 2014 में सरकार ने तो दोस्तों यहां पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, उसका मकसद यही था कि जुडिशरी में जो भी गड़बड़ी है उसको सुधारा जाए, कोलेजियम में जो भी गड़बड़ है उसको सुधारा जाए, लेकिन दोस्तों कोर्ट ने उसको स्ट्रक कर दिया, उसको रोक दिया 2015 में, ये कहते हुए कि अगर इसमें गवर्नमेंट का या किसी भी और का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जुडिशरी का जो एक फ्रीडम है, जुडिशरी का जो एक इंडिपेंडेंस है वो शायद खत्म हो जाएगा। इस समय अगर जुडिशरी है तो वो अपने आप में अलग है, जुडिशरी के सारे फैसले जुडिशरी खुद ही करती है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर उसमें इंटरफेरेंस किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो चली जाएगी, इसलिए दोस्तों उसको खत्म कर दिया गया, उस प्रस्ताव को यहां से हटा दिया गया। अगर आगे बात करें दोस्तों तो इसके लिए हमारे संविधान में भी आर्टिकल नंबर 124 है, जिसमें कहा गया है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच अ मेंबर ऑफ जजेस ऑफ द एससी इन द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज प्रेसिडेंट मे ड्रीम नेसेसरी टू द पर्पस। यानी 124 में कहा गया है कि जितने भी हमारे जजेस की नियुक्ति की जाएगी वो बाकी जजेस के कंसल्टेशन के साथ ही की जाएगी, बाकी जो भी जजेस हैं या जो भी ऐसा व्यक्ति है राष्ट्रपति जिसको समझता है कि उससे कंसल्ट करना चाहिए उसके कंसल्टेशन से ही दोस्तों ये भर्तियां की जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल नंबर 217 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी कहता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी आर्टिकल नंबर 217 के द्वारा जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करेगा, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई एंड द अदर अपना गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये कुछ यहां पे प्रोविजन भी दिए हुए हैं दोस्तों, लेकिन यहां पे काफी प्रयास करा है हमारी सरकार ने इसको सुधारने का, बट अभी कुछ ऐसा हो नहीं पाया है। अभी लास्ट मंथ में इसीलिए इस पर दोबारा चर्चा शुरू हुई थी जब 9 जजेस को दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अपॉइंट किया था, उनके नाम रिकमेंड किए थे, उसमें 3 महिलाओं के नाम थे, तब ये टॉपिक दोबारा निकल के आया और इसके सारे पॉइंट दोस्तों दोबारा चर्चा के विषय बने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला अपना टॉपिक है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, जो कि पिछले महीने दोस्तों बहुत ही न्यूज में रहा था, अगस्त के महीनों में कई बार पेपर की हेडलाइन दोस्तों इससे छापी गई थी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। पढ़ते इसके बारे में, समझते इसके बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करी है 2021 और 22 के बजट में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की दोस्तों चर्चा की गई थी और एक इनिशिएटिव लिया गया था ताकि हम दोस्तों अपने ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकें और अपने देश में जो एनर्जी सेक्टर है उसको दोस्तों थोड़ा बूम पर लेके आ सके, वहां पर एक बूस्ट लेके आ सके। अगर हम NHM यानी नेशनल हाइड्रोजन मिशन के इनिशिएटिव की बात करें तो उसका मकसद है विल कैपिटलाइज ऑन वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ फॉर क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन। दोस्तों भारत एक अपना विकासशील देश है,
यहां पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में आज भी परंपरागत चीजों का ही प्रयोग होता है, कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, इन तरह की चीजों का प्रयोग आज भी होता है। हमारी सरकार चाहती है कि हम एनर्जी कंजप्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में बिल्कुल एडवांस बने और बिल्कुल एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाने वाली और हमेशा चलने वाली एनर्जी का प्रयोग करें, और इसीलिए दोस्तों हमारी सरकार नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर यहां पर आई। क्या है ये मिशन? अगर हम बात करें तो भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से सोचा है, गोल ऑफ 175 GW बाय 2022, यानी भारत का जो गोल है वो 175 गीगावाट का है कि हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में भारत 2022 तक कम से कम 175 गीगावाट एनर्जी को जनरेट करने लगे, एंड गॉट एन इंपैक्ट इन द 21-22 बजट विच एलोकेट ₹1500 करोड़। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2021-22 के बजट में 1500 करोड़ रुपए का दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट भी दिया है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। भारत चाहता है कि 2022 तक 175 गीगावाट की एनर्जी हम हाइड्रोजन से पैदा करने वाले हो जाएं। अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो यह बहुत बड़ा उद्देश्य भारत का सफल हो जाएगा, बहुत बड़ा काम भारत का हो जाएगा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया इन अचीविंग इट्स एमिशन गोल्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट बट विल ऑल्सो रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ द फॉसिल फ्यूल। हम जानते हैं दोस्तों भारत की मैक्सिमम जो एनर्जी है, मैक्सिमम जो भारत का पैसा है वो क्रूड ऑयल, कोयले, फॉसिल फ्यूल को खरीदने में जाता है। अगर हम इस मामले में सक्सेसफुल हो गए, नेशनल एनर्जी ये हाइड्रोजन एनर्जी को जनरेट करने में सक्सेसफुल हो गए, तो यहां से दोस्तों हमारा बहुत सारा पैसा, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो फॉसिल फ्यूल पर दोस्तों काफी हद तक कम हो जाएगी, और साथ में दोस्तों हाइड्रोजन फॉर्म से ग्रीन पावर रिसोर्सेज को जनरेट करने में हमारा फोकस यहां पर रहने वाला है। अगर हम बात करें इंडियास की बात करें तो ग्रोइंग रिन्यूएबल कैपेसिटी हमारी है, भारत लगातार ग्रो कर रहा है और हाइड्रोजन इकोनॉमी बनने की तरफ भारत अग्रसर होना चाहता है। देखते हैं कितना सफल दोस्तों यहां पर भारत हो पाता है। दोस्तों हाइड्रोजन की बात करें तो लाइटेस्ट है, हम सभी को मालूम है, फर्स्ट एलिमेंट है ऑन द पीरियोडिक टेबल, हमारी जो आवर्त सारणी उसका पहला तत्व है। सिंस द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन एयर इट राइजेस इन द एटमॉस्फेयर एंड इज देयरफॉर रेयरली फाउंड इन द प्योर फॉर्म ऑफ H2। प्योर फॉर्म में ये नहीं पाया जाता क्योंकि बहुत हल्का है, इसलिए एयर से हल्का है तो एयर के ऊपर चला जाता है, और प्योर फॉर्म में ये हाइड्रोजन दोस्तों यहां पर नहीं पाया जाता। अगर इसके नॉर्मल हम लोग गुणों की बात करें तो नॉन मेटालिक है ना, नॉन टॉक्सिक है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है, ऐसे दोस्तों यहां पर एक काम इसके रहते हैं, सिंपल सी बात समझते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो जीरो इमिशन फ्यूल है दोस्तों। क्यों इसकी तरफ पूरा विश्व इसमें अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि ये जीरो इमिशन फ्यूल है, किसी प्रकार का कोई भी दोस्तों ऐश, किसी प्रकार कोई भी चीज है दोस्तों यहां से नहीं निकलती है। जब भी हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो कुछ भी वहां से दोस्तों नहीं निकलता है, वो पूरी पूरी तरीके से दोस्तों प्योर एक फ्यूल हमारा होता है। Used in the fuel cells of the internal combustion engine, अभी भी दोस्तों इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत ही अपर लेवल पर, बहुत ही हाई लेवल पर हम करना चाहते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर भारत की बात की, उससे पहले दोस्तों हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तीन प्रकार का हमारा हाइड्रोजन यहां पर देखने को मिलता है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन लगभग लगभग एक ही प्रकार के दोस्तों होते हैं, ये लगभग लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो हमारा दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ये ग्रीन हाइड्रोजन दोस्तों तेजी से काम करता है, और दोस्तों हमारी सरकार इसी के लिए काम करना चाहती है। ग्रीन हाइड्रोजन इज रिलीज्ड वाया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, यही वो दोस्तों हाइड्रोजन है जो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी दोस्तों जीरो इमिशन करती है, इसी वजह से दोस्तों इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। भारत की बात करें दोस्तों तो भारत तेजी से काम कर ही रहा है इस चीज पर, स्केलिंग अप द गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत बहुत तेजी से जो गैस पाइपलाइन है उसको दोस्तों काम कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, पूरे देश में दोस्तों एक पावर ग्रिड बिठाना चाहता है जो दोस्तों स्मार्ट ग्रिड के रूप में काम करेंगी, और वहां से दोस्तों इफेक्टिवली हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट कर पाएंगे, उसके परसेंटेज को दोस्तों मिक्स कर पाएंगे और एनर्जी को दोस्तों बढ़ा पाएंगे। भारत बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है और पावर ग्रिड पे काम पे तो बहुत तेजी से कर रहा है। कैपेसिटी एडिशन पर दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल पावर जो हमारी है उसके जनरेशन, उसके स्टोरेज और उसके ट्रांसमिशन की जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसिंग द ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया कैन बिकम कॉस्ट इफेक्टिव विच विल नॉट ओनली गारंटी एनर्जी सिक्योरिटी बट ऑल्सो इंश्योर द सेल्फ सफिशिएंसी ग्रेजुअली। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना दोस्तों बहुत कॉस्टली नहीं रहेगा, इसीलिए दोस्तों ये ज्यादा सिक्योर भी है और ज्यादा सफिशिएंट भी है। बात करें भारत की तो दोस्तों भारत एक बहुत बड़ा एज है इन ग्रीन
हाइड्रोजन प्रोडक्शन में ओइंग टू फेवरेबल जियोग्राफिक कंडीशंस एंड प्रेशर ऑफ अबंडेंट नेचुरल एलिमेंट्स। भारत हमेशा से ही प्राकृतिक संसाधनों में हमेशा से ही रिच रहा है, हमेशा से ही अच्छा रहा है, इसीलिए दोस्तों यहां पर दोस्तों भारत के लिए बहुत संभावनाएं हैं, भारत बहुत तेजी से इसमें दोस्तों काम कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जो हमारे सामने आएंगे उसको दोस्तों यहां पर देखना होगा। क्या देखना होगा? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन। क्या ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन को बनाना इकोनॉमिक सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा? क्या उसमें बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं हो जाएगा? अगर बहुत खर्चा हो गया तो भी हम लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यह सबसे बड़ा एक चैलेंज है। दूसरा, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ द हाइड्रोजन लाइक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एंड द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आर एट नेसेंट स्टेज। यानी जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके स्टोरेज के लिए, चाहे उसके प्रोडक्शन के लिए या फिर उसके फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए, ये सब कुछ देखने वाला होगा कि हम क्या उतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या किस तरह की तकनीक हम लोग यहां पर दोस्तों यूज कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द फ्यूल सेल, जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने होने वाली है, या फिर कॉमर्शियल यूज है हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल, ये दोस्तों बहुत ही बड़े चैलेंजेस हमारे सामने निकल के आने वाले हैं। पूरी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें करने की जरूरत है, पूरी टेक्नोलॉजी को बनाने की जरूरत है, स्टोरेज प्रोडक्शन और इन सब के ऊपर काम करने की बहुत तेजी से हमें जरूरत है। ये सारी परेशानियां हमारे सामने दोस्तों आने वाली है, जिस पर काम करने की हमें जरूरत आज है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, पीएम दक्ष स्कीम। तीन टॉपिक हमने पढ़े, तीन के बाद चौथा टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, पीएम दक्ष स्कीम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछले महीने में रहा है, सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा। देखते हैं इसके बारे में कि क्या है ये प्रोग्राम। तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट पहले से ही इस बात पे चर्चा करती है, पहले से ही इस बात पे है कि किसी भी तरीके से जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको किसी भी तरीके से आगे लेकर आया जाए, और इसीलिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने दोस्तों पीएम दक्ष को यहां पर लॉन्च किया। अगर पीएम दक्ष की बात करें तो यह है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता समापन हितग्राही पोर्टल। ये दोस्तों एक मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी हमने जारी किया है और सरकार ने इसका पोर्टल भी बनाया है। मकसद है टू मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम एक्सेसिबल टू द टारगेट ग्रुप्स। यानी सरकार के जो टारगेट ग्रुप्स हैं वहां तक स्किल डेवलपमेंट किया जाए, वहां तक कौशल प्रशिक्षण को पहुंचाया जाए, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस हो, चाहे वो स्केड्यूल क्लासेस हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, ऐसे जो हमारे इलाके हैं जहां पर स्किल डेवलपमेंट नहीं पहुंच पा रहा है, जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, यहां तक प्रशिक्षण को पहुंचाया जाए ताकि इस समाज का, इस वर्ग का दोस्तों पूरी तरीके से उत्थान हो सके, उसके लिए पीएम दक्ष स्कीम चलाई गई। अगर बात करें तो पीएम दक्ष स्कीम का दोस्तों टारगेट को हमने समझा, मतलब यही है स्किल डेवलपमेंट करना। क्या करना? अपस्किलिंग करना, रीस्किलिंग करना, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम देना और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम देना। इन सभी प्रकार के प्रोग्रामों के तहत जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, जो पिछड़े हुए ग्रुप हैं, शेड्यूल कास्ट ग्रुप हैं, या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं, या और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सभी ग्रुप को आगे लेकर आना और उनको दोस्तों एक सुरक्षा देना, एक सामाजिक सुरक्षा का भाव उनमें लाना और उनका उत्थान करना हर एक प्रकार से, यह दोस्तों इस स्कीम का उद्देश्य था। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करी जाएगी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों सभी जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो सेक्टर स्किल काउंसिल हैं, इनके द्वारा ही सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों वो चलाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत दोस्तों सारे प्रोग्राम ये चलाए जाने हैं। इंप्लीमेंटेशन की बात करें दोस्तों तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये 2021 में दोस्तों इंप्लीमेंट किया जाएगा और सारे फेज को इसमें हासिल किया जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन पीएम दक्ष में अपने आप को एलिजिबल पाएगा, तो दोस्तों जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो पाएंगे, जितने भी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो पाएंगी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो पाएंगी, डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं और सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये सारे जो ग्रुप्स हैं इन सभी ग्रुप्स को दोस्तों यहां पे फायदा मिलने वाला है। इन सभी के साथ साथ जो वेस्ट पिकर्स हैं यानी कूड़ा उठाने वाले हैं, जो मैनुअल स्केवेंजर्स हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं और जो अदर सिमिलर कैटेगरीज हैं, इन सभी कैटेगरीज को दोस्तों इस पीएम दक्ष प्रोग्राम की जो फायदे हैं वो मिलने वाले हैं और इस पीएम दक्ष प्रोग्राम के तहत इन सभी वर्गों में सभी को दोस्तों ट्रेन किया जाएगा, विभिन्न रोजगार पर चीजों के लिए, विभिन्न और भी चीजों के लिए इनको ट्रेन किया जाएगा ताकि इनको दोस्तों प्रशिक्षित किया जा सके, इनको कुशलता दी जा सके और इनका स्किल डेवलपमेंट दोस्तों किया जा सके।
अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो तीन हमारे पास यहां पर तीन हमारे पास कॉर्पोरेशन है जिनके द्वारा दोस्तों ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे। सबसे पहला नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड द डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरा नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तीसरा नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि हमारा जो पीएम दक्ष है उसकी इंप्लीमेंटेशन कॉर्पोरेशन जो है वो कौन कौन है, तो ये तीन जो हमारे कॉर्पोरेशन है ये मिनिस्ट्री के हैं दोस्तों जो हमारे इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। पीएम दक्ष का पोर्टल यानी एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो इस एप्लीकेशन या पोर्टल से कोई भी पर्सन कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एट वन प्लेस बाय विजिटिंग द पीएम दक्ष पोर्टल। पीएम दक्ष पोर्टल पे जाकर हम ट्रेनिंग से संबंधित या स्किल डेवलपमेंट संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही है, जो भी स्कीम चल रही है, जो भी फायदे चल रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उन सबकी जानकारी दोस्तों यहाँ पे पा सकते हैं। एक ही जगह पर जाना है, एक ही जगह पर जाकर दोस्तों ये पूरी जानकारी हमको यहां से मिल जाएगी, तो काफी फायदेमंद दोस्तों यहाँ पर चीज रहने वाली है। दूसरी बात करें कुछ और भी फैसिलिटीज हैं, कुछ और भी फीचर्स हैं इस पोर्टल के, देख लेते हैं एक बार। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट एंड वन प्लेस, सभी प्रकार के जो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों यहां पे मिलेंगे हमें। इसके अलावा फैसिलिटी टू रजिस्टर फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी इसी पोर्टल पर जाकर हम किसी भी इंटरेस्टेड प्रोग्राम में अगर एलिजिबल है तो वहां पर जाकर दोस्तों रजिस्टर भी कर सकते हैं। साथ में बात करें अपलोड डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो डिजायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको भी अपलोड इसी पोर्टल पर किया जा सकता है। रजिस्टर्ड अटेंडेंस ऑफ द ट्रेनीज थ्रू द फेस एंड द आई स्कैनिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, यानी आई स्कैनिंग है, फेस स्कैनिंग है, वो पूरी यहां पर दोस्तों अवेलेबल कराई गई है ताकि किसी भी प्रकार का फेक कोई प्रोफाइल यहां पर ना आ पाए, जो बिल्कुल एलिजिबल है दोस्तों वही यहां पर आ पाए, ऐसा बिल्कुल ना हो कि फेक पीपल यहां पर दोस्तों इसका फायदा उठा पाए, ऐसा बिल्कुल ना हो, उसके लिए यहां पर आई स्कैनिंग और फेस स्कैनिंग का भी दोस्तों ऑप्शन रखा गया है। मॉनिटरिंग फैसिलिटी थ्रू द फोटो एंड द वीडियो क्लिप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन, यानी यहां पर एक विशेष बात की गई है, जो भी ट्रेनिंग सेशन चलेंगे उनकी वीडियोग्राफी दोस्तों की जाएगी ताकि इस बात की इंश्योर हो सके कि हाँ वाकई में ट्रेनिंग मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से योजना आई लेकिन नीचे नीचे आते आते वो योजना सफल चट हो गई, ऐसा ना हो उसके लिए वीडियोग्राफी की दोस्तों यहां पर व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। इसके अलावा दोस्तों सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो काफी सिग्निफिकेंस के हैं, काफी यूज, काफी फायदे इसके हैं। हम सभी को मालूम है कि जो भी हमारे इकोनॉमिक एसेट्स हैं उनका मिनिमम से मिनिमम प्रयोग करके भी दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा टेक्निकल और बहुत ज्यादा कुशल प्रशिक्षण हम लोगों को दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटीज को, उनका जो इकोनॉमिक पावर है, उनका जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसको यहां पर दोस्तों ग्रुप को हम आगे लेके आ सकते हैं, उनकी पावर दोस्तों हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बहुत सारे पोस्टेंस ऐसे हैं जो टारगेट ग्रुप के हैं, बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ रूरल आर्टिसियन हु हैव बिकम मार्जिनलाइज्ड ओनिंग द कमिंग ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास तकनीक का दोस्तों अभाव है, उन सबको दोस्तों यहां पर तकनीक के रूप में काम पे लाया जा सकता है और उनको बहुत सी बातें यहां पर सिखाई जा सकती हैं। वुमेन, जो हमारी स्त्रियां हैं, जो घर की महिलाएं हैं दोस्तों, उनको ओवरऑल डोमेस्टिक कंपनसेशन दिया जा सकता है, कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द वेज एम्प्लॉयमेंट व्हिच नॉर्मली इन्वॉल्व्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी जो महिलाएं हैं दोस्तों उनको भी इस ट्रेनिंग कैंप्स के द्वारा, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, प्रशिक्षित करके उनको भी दोस्तों तेजी से ग्रोथ किया जा सकता है, तो काफी सिग्निफिकेंस इस योजना के हैं, आपको यहां पर ध्यान दोस्तों करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, तो ये है यूएन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पहला प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट है मैरीटाइम सिक्योरिटी पर। जी हाँ, वैसे तो कई बार हमारे जो यूएनएससी है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर चुकी है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों हमारे यूएन काउंसिल ने दिया है, तो समझेंगे इसके बारे में पूरी बात। अगर पहली बात समझे दोस्तों तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार दोस्तों क्या किया है, प्राइमेसी ऑफ अनक्लॉज, अनक्लॉज के बारे में पढ़ेंगे क्या चीज है अनक्लॉज, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों यहां पर दिया है और पहली बार प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट दिया है मैरिटाइम सिक्योरिटी पर। क्या है यह स्टेटमेंट, जरा एक बार देखेंगे इसके बारे में पूरी बात। तो दोस्तों अभी हम सबको मालूम है कि भारत को अभी यूएनएससी का अस्थाई मेंबर बनाया गया था, यूएन का एक टेम्पररी मेंबर बनाया गया था 2 सालों के लिए, 2021 और 22 के लिए, और उसमें भी दोस्तों अगस्त के महीने में यूएनएससी की जो प्रेसिडेंशियलशिप है वो हमारे भारत के हाथों में दोस्तों यहां पर रही थी और वो भारत के लोगों ने, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों उसको किया था। उसी दोस्तों मीटिंग में, उसी
प्रेसिडेंशियलशिप में दोस्तों भारत ने एक थ्रेट को यहां पर मैरिटाइम सेफ्टी के रूप में देखा, मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को दोस्तों यहां पर बहुत तेजी से करा। और दोस्तों यहां पर 2000 से ज्यादा ह्यूमन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दोस्तों यहां पर देखे गए, तो इसको दोस्तों यहां पर कंसीडर किया गया। और जितने भी दोस्तों परमानेंट मेंबर्स थे उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया और यहां पर दोस्तों मैरिटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी पर भारत के द्वारा बाकी देशों से बातचीत यहां पर की गई। अगर स्टेटमेंट की बात करें हम लोग तो स्टेटमेंट दोस्तों काफी दिए गए हैं पहले भी मैरिटाइम सिक्योरिटी पर। सबसे पहले बात करें तो 1982 में यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी बनाया था, emphasize on the safeguarding the legitimate uses of the oceans and the security of coastal communities, affirming that the international law reflected in the 1982. यानी सबसे पहले जो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लॉज थे वो 1982 में दोस्तों रिफ्लेक्ट हुए थे जब यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों इस प्रकार की जो बातें थी वो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था कॉम्बैटिंग दीज इलिसिट एक्टिविटीज। जितने भी प्रकार की हमारी जो इलिसिट एक्टिविटीज हैं उनसे लड़ने के लिए लीगल फ्रेमवर्क दोस्तों सबसे पहले 1982 में प्रदान किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगर हम बात करें इस मेंबर की तो सभी मेंबर स्टेट को दोस्तों बुलाया गया था, इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल शिप एंड द पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड एंड चैप्टर 11(2) ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द फॉर द सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट सी टू वर्क विद द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ बिल्कुल, सभी मेंबर से कहा गया था कि आप इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करिए टू प्रमोट सेफ एंड सिक्योर शिपिंग व्हाइल इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन। यानी आप इनके साथ काम करिए और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट सी के रूल्स हैं उनको दोस्तों यहां पर करिए। तो ये काम दोस्तों पहले भी किया जा चुका है और इस तरह की बात दोस्तों किया जा चुकी है। अगर मेंबर स्टेट की बात करें तो रेटिफाइंग द असेंडिंग टू द अन इंप्लीमेंटिंग द 2000 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द प्रोटोकॉल्स ट्रीटो, ये दोस्तों एक बात यहां पर की गई और स्टेटमेंट यहां पर दिए गए थे ताकि मैरिटाइम सिक्योरिटी को प्रूव किया जा सके। भारत के स्टैंड की अगर बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर भारत के स्टैंड की हम लोग बात करें तो भारत ने 5 बेसिक प्रिंसिपल दोस्तों यहां पर दिए हैं मैरिटाइम सिक्योरिटी के। फ्री मैरिटाइम ट्रेड को दोस्तों यहां पर जो है वो बैरियर के रूप में यहां पर एस्टैब्लिश किया गया, ऐसा भारत ने कहा। तो भारत ने दोस्तों 5 बेसिक प्रिंसिपल दिए अपने तरफ से ताकि मैरिटाइम सिक्योरिटी को और भी पुख्ता किया जा सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने दोस्तों एक मिशन भी शुरू किया, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन कैन बी हाईलाइटेड। यानी भारत ने इसी मीटिंग में अपने सागर मिशन को भी दोस्तों दिखाया। सागर मिशन दोस्तों एक ऐसा मिशन था जिसके अंतर्गत भारत ने यह कहा कि जितने भी हिंद महासागर के देश हैं, जितने भी भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर के देश हैं, उन सभी हिंद महासागर के देशों और पड़ोसियों को दोस्तों भारत पूरी तरीके से मदद करेगा उनकी सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए। ऐसा मिशन दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया और भारत ने काफी हेल्प भी दोस्तों इस मिशन के तहत की। इसके अलावा दोस्तों सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम डिस्प्यूट्स, जितने भी हमारे सागर के संबंध में और देशों के साथ डिस्प्यूट्स हैं या किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं उनको दोस्तों शांति से और इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पर सुलझाया जाए, ऐसा भारत ने यहां पर कहा। भारत ने यहां पर यह भी कहा रिजॉल्व इट्स मैरिटाइम बाउंड्री विद इट्स नेबर बांग्लादेश। भारत ने यहां पर अपने भी एक बात विचार करते हुए देखी कि बांग्लादेश के साथ जो भारत के एक जो भी डिस्प्यूट्स हैं या जो भी मैरिटाइम बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट्स हैं उनको भी यहां पर रिजॉल्व किया जाएगा, भारत उसको करेगा, यहां पर सिंपल सी बात भारत ने कहा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम कनेक्टिविटी शुड बी इनकरेज। यानी भारत ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है, कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा यहां पर दोस्तों काम बढ़ पाएगा और उतनी तेजी से यहां पर काम हम लोग कर पाएंगे, उतनी तेजी से बाकी देश भी दोस्तों यहां पर जुड़ पाएंगे। यहां पर भारत ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों उसका भी यहां पर उल्लेख किया। India held that while creating structures for maritime connectivity, country should keep financial sustainability and absorption capacity of the host country. यानी यहाँ पे भारत ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी बात जरूर की, लेकिन साथ में एक बात को एहसास भी दिलाया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा देश है या अमीर देश है वो सागरीय कनेक्टिविटी ओशन कनेक्टिविटी के दरमियान जो वहां के देश है उनके हितों को भूल जाए, उनके अधिकारों को भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है, मैरिटाइम कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, बट की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी यानी आर्थिक रूप से हमें सस्टेन भी रहना है और वहां के देशों को भी दोस्तों सस्टेन रखना है, ये बात दोस्तों भारत ने यहां पर उठाई। यहां पर भारत ने कहा कलेक्टिवली कॉम्बैट मैरिटाइम थ्रेट्स पोज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स इन द नेचुरल क्लाइमेट।
यानी भारत ने इस बात पर जोर दिया कि हमें बिल्कुल साथ में आकर एक बार काम करने की जरूरत है, साथ में आकर हमें सभी खतरों से निपटने की जरूरत है। अगर सभी देश जो है वो साथ में आएंगे तो बढ़िया काम यहां पर कर पाएंगे। India's role in the Indian Ocean has been that of the net security provider. यानी भारत का जो रोल है वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह रहने वाला है। ये भारत ने अपने आप को हाईलाइट करते हुए यहां पर दोस्तों दिखाया, ताकि भारत को भी या बाकी देशों को भी एहसास हो कि भारत का जो एक रूप है वो यहां पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह दोस्तों है। इसी की तरह पूरा विश्व भारत को देखे और भारत को यहां पर दोस्तों तवज्जो भी दे, ऐसा यहां पर दोस्तों भारत के द्वारा यहां पर दिखाया गया। यहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो भारत ने यहां पर एक बात और भी दिखाया। उसके अलावा दोस्तों अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो अनक्लॉस यानी कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी दोस्तों, इस पर भी यहां पर बातचीत की गई, यहां पर इसको भी दिखाया गया। फॉर्मली नोन एज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी वॉज एडॉप्टेड 1982 टू एस्टैब्लिश द ज्यूरिडिक्शनल लिमिट्स ओवर द ओशन एरिया। यानी जो अनक्लॉज है जिसकी बात अभी हाल ही में की गई थी, तो अनक्लॉज दोस्तों क्या है, ये केवल एक ज्यूरिडिक्शनल लिमिट्स को क्रिएट करता है ओवर द ओशन एरिया। यानी समुद्री क्षेत्रों में कहां किसका न्याय अधिकार है, किस इलाके में कौन न्याय करेगा, किस इलाके के मुद्दों को विवादों को कौन देखेगा, उसकी लिमिट को तय करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी दोस्तों बनाया गया। The convention defines distance of 12 nautical miles from the baseline as territorial sea limit. And a distance of 200 nautical miles, distance as exclusive economic zone limit. दोस्तों याद कर लीजिए, जो किसी भी देश की सीमा है उससे 12 नॉटिकल मील तक का जो इलाका है वो उसका टेरिटोरियल सी लिमिट है, यानी वो उस देश का इलाका है। लेकिन उसके आगे जो 200 नॉटिकल माइल का इलाका है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिमिट, यानी उस इलाके में कोई भी इकोनॉमिक गतिविधि दोस्तों की जा सकती है। भारत ने भी दोस्तों इसका मेंबर बना था, भारत ने भी इसमें 1982 में दोस्तों हस्ताक्षर कर दिए थे और भारत भी इसका मेंबर दोस्तों यहां पर बन गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, हमने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बनाया हुआ है, आल्सो नोन एज द पाल्मेरो कन्वेंशन। सिंस इट वाज अडॉप्टेड इन द पाल्मेरो ट्रीटी 2000 एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2003, यानी सन 2000 में इसको किया गया था और 2003 से दोस्तों यहां पर ये शामिल हुआ है। भारत ने भी इसको दोस्तों 2002 में ही ज्वाइन कर लिया था। क्या आइडिया है इसके पीछे, तो एन इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाज दैट इट क्राइम कुड क्रॉस द बॉर्डर सो मच लॉ एनफोर्समेंट। यानी ये दोस्तों समुद्र में जो क्राइम होते हैं, समुद्र क्षेत्रों में जो अपराध होते हैं उनको रोकने, उनसे बचने और उनके लिए न्याय करने के लिए यहां पर किया गया था। यहां पर काफी शर्तें और नियम बनाए गए थे कि किस तरीके से जो समुद्र क्षेत्रों में अपराध होते हैं उनको दोस्तों देखा जाएगा और उनके लिए काम यहां पर किया जाएगा। बात करें इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये दोस्तों यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग करती है, यानी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उनको सेट करने वाला जो है वो ये आईएमओ है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग एंड द प्रिवेंशन ऑफ मरीन। यानी पूरे विश्व में जो भी समुद्री जहाज चल रहे हैं, जो जा रहे हैं, उन सब की सिक्योरिटी और सेफ्टी का जिम्मा दोस्तों हमारे इस आईएमओ का है, और जो भी वहां से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है उनको भी रोकने का जिम्मा दोस्तों हमारे आईएमओ का है। यह बात आपको ध्यान करनी है। 1959 में इसको बनाया गया था और दोस्तों इस करंट लिस्ट में अगर देखा जाए तो भारत जो है वो 10 राज्यों में से एक है, 10 देशों में से एक है विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सबऑर्डिनेट ट्रेड। तो यहां दोस्तों आपको एक बात ध्यान में करनी होगी, भारत भी पूरी तरीके से मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए एक्टिव है और जब से यूएनएससी का भारत मेंबर बना है, इसका अध्यक्ष बना है, तब से भारत की एक्टिविटी और भी तेज हुई है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे अगस्त मंथ के जो मैंने आपके सामने रखे। पूरे मंथ में से ये 5 या 6 पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट हेडलाइंस पॉइंट थे जो काफी चर्चा के विषय रहे और यहां से दोस्तों हमारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके लिए यहां पर मैंने किया, मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो। ये हर मंथ की एक वीडियो ऐसी मैं आपको देता रहूंगा, और भी जैसी वीडियो आपको चाहिए और भी कंटेंट कैसा चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये कंटेंट, ये भी मुझे बताइए ताकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहां पे क्रिएट कर सकें, आपके लिए लेके आ सकें। दोस्तों चलिए तो आज के इस वीडियो को ओवर करता हूं, मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में आप सभी के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ऊर्जाओं से भरे रहिए, आलस्य से दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लेता हूं आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।